लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद आज कानपुर वासियों ने राहत की सांस ली है। दोपहर 2 बजे तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों के घरों को निकलने से मजबूर कर दिया। बारिश के समय दिन के 2 बजे भी अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई और लोगों को सड़कों पर अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। हालांकि तेज हवाओं के साथ शुरू हुई तेज बारिश में लोग भी घरों से निकले और बारिश का आनंद लेते हुए भीगते नजर आए। हालांकि मौसम विभाग ने पहले से आज से तेज बारिश की संभावना जताई थी। भीषण गर्मी के बाद आज कानपुर में बरसात शुरू हो गई है। विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि लोगों को सड़कों पर गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। वीडियो न्यूज़ बलराम से कहेंगे दिखाएं कि लोग सड़क पर निकले हुए हैं, देख सकते हैं किस तरीके से तेज बारिश हो रही है। काफी दिनों से, लंबे समय से भीषण बरसात हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि 19 तारीख के बाद से ही बरसात होगी कानपुर में, जो कि आज 20 तारीख है और बरसात हुई। देख सकते हैं दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि लोगों को दिन में भी गाड़ियों की लाइटें जलाना पड़ा। इसके अलावा तेज हवाओं के साथ इस बरसात की शुरुआत हुई है और इस बरसात जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो लोग भी इस समय इस बरसात का आनंद लेने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं, चाहे वो कहीं घूमने के लिए निकले हों, चाहे वो अपनी गाड़ियों से निकल रहे हैं और लोग इस बरसात का आनंद ले रहे हैं। बलराम के साथ अपना सुक्ला जेएमडी न्यूज कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।